तेरी आंखों का अफसाना मुझसे कहता है पर मिलते हैं। ओके डियर। रोहन, शाम का क्या प्लान है? शाम का एज यूजुअल मीटिंग्स ऑफिस में, और क्या। शाम को आप जल्दी घर पे आ सकते हो? शाम को कुछ खास है क्या? अगर मैं कुछ भूल ही रहा हूँ तो कुछ है क्या? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बट हमें बहुत टाइम हो गया एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। तो हाँ, दैट्स ट्रू। ओके, आई विल बी देयर। ओके, बाय। हाय मिस्टी। हाय रोहन, कैसे हो? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। वी आर मीटिंग टुनाइट, राइट रोहन? शाम का तो एक्चुअली आज क्या है ना, थोड़ा मिस्टी मुझे स्केप्टिकल लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी वाइफ को थोड़ा मुझ पे शक हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि आज पॉसिबल हो पाएगा। क्यों, तुम्हारी वाइफ का भी तो आयुष के साथ अफेयर चल रहा है। क्या, तुम्हें सच में नहीं पता है कि तुम्हारी वाइफ का आयुष के साथ अफेयर चल रहा है? दोबारा बोलना, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? यस, इट इज ट्रू रोहन, योर वाइफ इज हैविंग एन अफेयर। किसके साथ चल रहा है? आयुष के साथ। अब तो तुम्हें हम दोनों के बारे में सोचना ही होगा रोहन, कहीं तुम्हें अब भी अपनी वाइफ से प्यार तो नहीं है? ओके मिस्टी, बाय। कहीं तुम्हें अब भी अपनी वाइफ से प्यार तो नहीं है? क्या किया आपने ऑफिस में?
वही बस एज यूजुअल मीटिंग्स। आप जो मेरे साथ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम भी जो मेरे साथ कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। तुम जानते हो वो क्या है? चीट। हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते, इसलिए हमारे बीच डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है शायद। इसी की वजह से हमारी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ और आज इस घड़ी पर हैं हम लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। रोहन, अब मुझे सच में समझ में आ गया है, जब एक लड़की दूसरे के साथ रिश्ता बनाती है और अपने हस्बैंड को धोखा देती है तो शुरू में लगता है कि नए रिश्ते में सुकून मिलेगा, जो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे बीच कुछ चीजें मैच नहीं करती और इस वजह से हम दोनों के बीच डिस्टेंस आ गए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की सोच अलग होती है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जिंदगी का एक्सपीरियंस, सब कुछ अलग होता है। तो नए रिश्ते में भी नए इंसान के साथ मेरी सोच कैसे 100% मैच कर सकती है? उसके साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होंगे, चाहे वो बातें अलग अलग क्यों ना हो। अब तक तो मैं अपनी शादी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट से ही परेशान थी, लेकिन अब दूसरे के साथ जुड़कर अपनी लाइफ में और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रही हूँ, इससे सिर्फ प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से सिर्फ गिल्ट और दुख ही मिला है। शायद सब कुछ समझने में मुझे देरी हो गई, लेकिन अब मैं ये ज़रूर समझ गई हूँ कि अपने रिश्तों की वैल्यू समझनी चाहिए, ना कि उन्हें अवॉइड करके और गलत रास्ते अपनाने चाहिए। अब दिल से समझ में आ गया है कि शादीशुदा जिंदगी में फिजिकल संतुष्टि की चाहत में हम कभी कभी ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें भटका देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम किसी और के साथ होते हैं तो भी दिल और दिमाग में अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल ही घूमते रहते हैं, और जब किसी तीसरे शख्स के साथ रिश्ता बनाते हैं तो पहले और दूसरे के साथ लम्हे हमें पीछा करते रहते हैं। हम खुद से भागने की कोशिश में उलझ जाते हैं, लेकिन न खुद को पा पाते हैं ना ही सुकून। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं तो हमारी रूह कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। क्या ये सही है? क्या इस तरह की अधूरी संतुष्टि से हम खुश रह सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए ये गलती दोहराने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आखिरकार सच्ची खुशी और सुकून वही है जो हमें हमारे रिश्ते में मिलती है, अगर हम उसमें सच्चे और वफादार रहें। सो आई थिंक हम दोनों के लिए बेटर यही होगा कि लेट्स सॉल्व दिस मैटर इंटरनली। एंड मैं बिल्कुल ये नहीं सोचूंगा कि इसमें सिर्फ मेरी ही गलती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही गलती है उसके अंदर, हम दोनों की गलती है उसके अंदर। एंड दिस वट एवर इज गोइंग ऑन विल प्रॉमिस विद ईच अदर, आगे से जो भी है आई थिंक विल रिजॉल्व इट। सो हैप्पी देन? आई एम हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी। हेलो दोस्तों, हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तेरी आंखों का अफसाना मुझसे कहता है।